आज की इस नशिस्त का उन्वान जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी की मकसदियत को बयान करना है। हम इस दुनिया पर क्यों भेजे गए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है। कारखाने कुदरत में कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो बेमकसद पैदा की गई हो, उसकी तख्लीक का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और जब तक वो चीज़ उस मकसद की तकमील करती रहती है तो उसे इज्जत दी जाती है। जब मकसद पूरा करना छोड़ दे तो उसे कोई इज्जत और कोई तकरीम नहीं दी जाती। ये माइक ही है, इसका मकसद एम्पलीफायर तक आवाज़ पहुंचाना है और उसके ज़रिए से ये आवाज़ आगे आप तक पहुंच रही है। लेकिन अगर ये किसी फ़नी ख़राबी की वजह से अपने मकसद तख्लीक को छोड़ दे और ये एम्पलीफायर तक आवाज़ ना पहुंचाए, तो फिर इस खूबसूरत जगह पर इसको सजाया नहीं जाएगा, इसको यहाँ से उतार करके कबाड़खाने में फेंक दिया जाएगा। ये अब बहुत कीमती है और बहुत अच्छी जगह पे इसको मर्तबा दिया गया है, लेकिन फिर इसकी कोई तौकीर नहीं होगी। इसी तरह कायनात की हर शय और हर चीज़ अपने मकसद की जब तक तकमील करती रहती है तो इज्जतों की मसनद पे उसे बिठाया जाता है, और जब मकसद पर अमल करना छोड़ दे और मकसदियत से आरी हो जाए तो फिर उसकी कोई तौकीर और कोई इज्जत नहीं रहती। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत इंसान को भी किसी मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद इसको पैदा नहीं किया गया है। इस कायनात के अंदर छोटे छोटे जानवर भी बेमकसद पैदा नहीं किए गए, इंसान तो मकसूद है कायनात का। ये केचवा जिससे मछली हम पकड़ते हैं, ये समझते हैं कि ये फजूल सी चीज़ है, लेकिन जिन खेतों में केचवा पाया जाता है, ज़िम्मेदारों से पूछें कि वहाँ ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने एक जगह पे एक शख्स को धागे के साथ ये केचवे बांध करके धूप में खुश करते हुए देखा, तो मैंने उस हकीम साहब से पूछा कि इसका मकसद क्या, तो वो कहने लगे कि ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, इसके बदन में फौलाद होता है। इसी तरह ये कांटा लगा करके मछली पकड़ने के काम भी आता है। इतना नहीफ नज़ार और कमज़ोर जिस्म जिसके अंदर हड्डी भी नहीं होती, उसके ये तीन फवायद बिल्कुल ज़ाहिर हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फवायद होंगे जो हमारी नज़र में नहीं हैं। इसी तरह ये मेंढक जो होते हैं, ये ज़िम्मेदारों से पूछें कि आजकल चावल की फसल के लिए ये कितने मुफीद हैं, और ये कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो फसलों के अंदर, उनके लिए ये कितने बेहतरी की ज़मानत है। तो हम वो चीज़ें जिनके फवायद हमारी नज़र में नहीं हैं, लेकिन वो भी चीज़ें फवायद से खाली नहीं हैं। तो जब ये कीड़े मकोड़े, ये हशरातुल अर्ज, ये मेंढक और केचवे, ये भी बेमकसद पैदा नहीं किए गए, तो जिसके गिर्द पूरी कायनात का चरख घूमता है और जिसके लिए पूरी कायनात को तख्लीक किया गया है, वो इंसान क्या बेमकसद पैदा कर दिया गया है? उसकी तख्लीक का कोई मकसद नहीं है? यकीनन उसकी तख्लीक का कोई मकसद ज़रूर है, उसकी तख्लीक का कोई मुद्दा ज़रूर है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस मकसद को, उस मुद्दा को कुरान मजीद में बयान फरमाया, इरशाद किया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इंसान की तख्लीक का मकसद और मुद्दा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की इबादत करना है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की इबादत इसलिए नहीं कि उसको बंदों की इबादत की ज़रूरत है, उसे कोई गर्ज है। बंदों को तख्लीक उसने इसलिए किया है कि वो मुझे पूजेंगे और मेरी इबादत करेंगे तो कोई मुझे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ऐसी किसी गर्ज से पाक है। खुद इरशाद फरमाया, मा उरीद मिन्हुम मिर रिज़्किन व मा उरीद अन युत्इमून, ना तो मैं इससे कोई रिज़्क चाहता हूँ और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं, चूँकि वो खाने से भी पाक है और उसे रिज़्क की भी ज़रूरत नहीं है।
بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے، وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوا ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بندوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے، اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کی حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق بہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کوئی سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دیں تو وہ تار کاٹ دیں گے، لیکن ساری زندگی کوئی اس کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا، اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ کبھی ہوا کو نہیں کہا، اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے۔ بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بستامی کے گھر میں بکھیرتا ہے، اس آسی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی یہ ان کا معمول رہا ہے۔ اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا،
वो अपना हिस्सा खुद लेकर के आता। मेहमान को देख करके नाक मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए, खुशी के आसार चेहरे पे जाहिर हों कि अल्लाह ताला ने ये मेहमान मुझे अता फरमा दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। एक दिन भूख लगी, घर वालों को खाना पकाने का कहा और खुद मेहमान ढूंढने निकले। एक शख्स को जो कि बूढ़ा था ले आए, दस्तरखान पे बिठाया, खाना जब लग गया तो उसको कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। उसने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। आपने फरमाया कि मैं तेरे से कोई रब्त रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखता, अल्लाह ही के नाम पे तुझे खिला रहा हूं, तो मेरे रब का नाम तुझे कम अज कम लेना चाहिए। उसने कहा मैं तो बुतों का पुजारी हूं और रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता। आज लोग चाय की प्याली पे दीन बेच रहे हैं, लेकिन देखिए वफा की रीत निभा गया ना। उसने कहा कि मैं बुतों से बेवफाई रोटी के टुकड़ों और चंद लुकमों के लिए नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले जब तू इतना गैरतमंद है कि मेरे रब का नाम नहीं लेता और अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता, तो फिर मेरा भी तो क्या लगता है, अगर मेरे रब को नहीं मानता तो मैं तो खाना उस रब के नाम पे खिलाऊंगा, खाता है तो ठीक, नहीं तो तेरी मर्जी। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ के चलता बना, वो गया तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सलाम दिया, संदेशा सुनाया। रब कहता है ए मेरे खलील, तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। या अल्लाह वो तेरा बंदा था, वो तो तेरा नाम लेना गवारा नहीं करता था और तू फरमा रहा है कि वो मेरा बंदा था। इरशाद हुआ इब्राहिम बताओ उसकी उम्र कितनी होगी। या अल्लाह 80 साल के करीब होगी। कहा इतना अरसा हो गया ना मैं उसको रिज़्क दे रहा हूं, तुम एक दिन नहीं खिला सके। अब हजरत इब्राहिम उसको ढूंढ रहे हैं, वो दूर पहाड़ पे जा चुका है। उसके करीब पहुंचे, कहा मियां खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। उसने कहा एक शर्त है, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा ना लेना आओ। तो कहने लगा लहजे में इतना गदाज, इतनी नरमी कैसे आ गई, तुम तो कहते थे रब के नाम के अलावा खिलाऊंगा नहीं। कहा कि उसी रब का ही तो पैगाम आया है कि मैं भी इसको दे रहा हूं। उसने कहा अगर तेरा रब इतना अच्छा है तो खाना बाद में खाएंगे, पहले उसका गुलाम बना ले मुझको। तो वो रब है सबका, हमारा हक है कि हम उसकी पूजा करें। तो अल्लाह ताला जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास सोबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। एक तो वो तुम्हारा रब है और फिर अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा भी किया है। तवज्जो चाहूंगा कितनी शान है कि उसने तखलीक भी किया और फिर उसने तुम्हारी तरबियत भी की। जो तखलीक भी करे और तुम्हारी तरबियत भी करे, क्या उसका हक नहीं है कि उसकी हुजूर सजदा रेजियां की जाए। सारी जिंदगी इंसान माँ की खिदमत करता रहे तो बताओ माँ की खिदमतों का बदला दे सकता है, माँ के प्यार का सिला दे सकता है। अर्ज की गई कि मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा करके हज करवाया है और साई और काबतुल्ला का तवाफ कराया है, और हालत ये थी कि अगर चट्टान के ऊपर गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया जाता तो वो भी भुन के कबाब बन जाता, इतनी गर्मी की शिद्दत थी। क्या मेरी माँ ने मेरी जो खिदमत की, मेरी कफालत की, मुझे दूध पिलाया, मुझे जन्म दिया, तो मैंने क्या माँ की खिदमतों का सिला दे दिया है। तो जवाब आया तूने अभी उसकी एक मुस्कराहट का बदला भी नहीं दिया। माँ जब हंस के देखती है तो जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठती हैं, और बेटे की जिंदगी माँ की उस हंसने से जो है वो इबादत होती है। बेटे के लिए माँ के जो जज्बात हैं, माँ की जो कहानियां हैं, माँ के सीने में जो दर्द के उमटती हुई एक कायनात है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी एक टांग पे खड़ा होके बंदा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी हक अदा नहीं होगा। माँ माँ होती है, अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने उसको वो दर्जे अता फरमाए। बेटे के साथ जो प्यार माँ करती है, भला कोई कर सकता है, कोई इतनी मोहब्बत दे सकता है जितनी माँ मोहब्बत देती है। सारी जिंदगी भी इंसान उन मोहब्बतों का बदल देना चाहे तो नहीं दे सकता, चूंकि माँ के प्यार का किनारा ही कोई नहीं, माँ की मोहब्बत की गहराई और गहराई को कोई नाप ही नहीं सकता। समुंदर के पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। कभी देखा नहीं जब बच्चा घर से निकलता है तो दुनिया को अकलो बीनश का दर्स देने जाता है, लोग उसके एक एक जुमले के लिए कान लगाए खड़े होते हैं, कोई एक लफ्ज भी जाया ना हो जाए।
दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और जामियात में जाते हैं और लोग उनकी एक एक बात को मोती समझ के कबूल करते हैं, लेकिन वो जो जमाने को जिंदगी का दर्स देने घर से निकलता है, जब घर से निकलने लगता है, माँ देहात की रहने वाली हो या गुलबर्ग की रहने वाली हो, माँ उसको कहती है बेटे सड़क ध्यान से उबूर करना। जो दुनिया को अकल सिखाने जा रहा है उसको इतना ही नहीं पता कि सड़क उबूर कैसे करनी है, लेकिन ये माँ के प्यार का एक रूप है, ये माँ की मोहब्बत का एक अंदाज है। अल्लाह ताला ने उसके सीने में धड़कता हुआ जो दिल रखा है और तड़पती हुई जो ममता रखी है वो एक मिसाल बनी हुई है कि किसी ने किसी को कहा कि मैं तेरे पे राजी तब होंगी कि अगर तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आए। तो उस बदबख्त ने अपनी उस महबूबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस अकदाम की तैयारी भी कर ली और जाके माँ का सीना चीरा और उसका कलेजा निकाला और अपनी उस महबूबा की खुशनूदी के लिए तेज तेज आ रहा है कि मैं उसको दिखाऊं कि मैंने ये कारनामा भी सर अंजाम दे दिया और ये चोटी भी सर कर ली है। तो तेजी से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, जब गिरा तो कहते हैं माँ के कलेजे से आवाज आई, पुत्र चोट तो नहीं आई है। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का अंदाज है। दुनिया वालों, माओं की कदर को जाया ना करना, माँ के प्यार को और उसकी मोहब्बत का सिला दे तो नहीं सकते, लेकिन सारी जिंदगी माओं की नौकरी करना और अपने बाप की जिंदगी के अंदर कभी भी नाफरमानी ना करना, ये सादतमंदी और खुश नसीबी होती है। हुजूर ने मिंबर की तीन सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन कहा था, तो बाद में पूछा गया हुजूर आपने हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए आमीन कहा तो ये क्या माजरा था? फरमाया जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे कहा था उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो माह सियाम रमजानुल मुबारक को पाए और फिर कसरत इबादत से अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने आमीन कहा, फिर कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो वालदेन को बुढ़ापे में पाए और जन्नती ना हो सके उनकी खिदमत करके। तो मैंने आमीन कहा, फिर जिब्रील ने कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो आप पर दरूद ना पड़े। तो मैंने आमीन कहा, तो वो शख्स कितना बदनसीब है जो वालदेन को नाराज कर लेता है। मैं कहता हूँ सारी कायनात माँ के कदमों तले है, बल्कि मेरे महबूब ने जन्नत को माँ के कदमों तले करार दिया। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तेरे हक अदा करूँ या अल्लाह के हक अदा करूँ? दो हस्तियों के हक मुझसे अदा नहीं हो सकते, अपने हक तू माफ कर दे, अल्लाह को मैं राजी कर लूंगा। माँ फिर भी माँ होती है, माँ ने कहा जा बेटे मैंने अपने हक माफ कर दिए। हजरत बायज़ीद कहते हैं मैं 12 साल जंगलों में घूमता रहा, एक दिन मुझे ख्याल आया बुस्ताम के करीब से गुजर रहा था कि चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं, दरवाजे को दस्तक देने लगा तो इस एहसास ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं, दुख भी क्यों पहुंचाऊं? माँ अब सो रही होगी और मैं दरवाजा नाक करूंगा तो माँ उठेगी। सर्दियों की लंबी रात थी, मैं दरवाजे के साथ लग के खड़ा रहा कि चलो जब माँ बेदार होगी तभी मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा। कहते हैं जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी वहां से पानी आया, मैं समझ गया कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। कहते हैं मैं दरवाजे को दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई बेटा बायज़ीद ठहरो मैं अभी आती हूं। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से भी जानती होती हैं कि ये मेरा कौन सा बेटा दस्तक दे रहा है। 12 साल के बाद दस्तक दी थी और माँ पहचान रही है ये किस बेटे के हाथों की लमस है और ये किस बेटे के हाथों की आहट है। बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे खड़ा था, फ्लाइट अभी लेट थी और वहां कोई हम जुबान मिल जाए तो गनीमत होता है, तो मुझे एक समद ऐसे महसूस हुआ कि जिस तरह कोई मुंह बोली पंजाबी में बात कर रहा है। मैं उठ के उधर लुढ़क गया तो देखा कि वहां कुछ लोग पंजाबी में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनके पास जाके बैठ गया तो वो इंडिया के लोग थे। मैंने पूछा कि आप, तो कहने लगे कि ये हमारा दोस्त है, इसको हम अलविदा करने आए हैं। तो मैं उनके पास बैठ के गुफ्तगू शनीद शुरू कर दी तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे 27 साल 3 माह हो गए, मैं इंडिया से आया था लेकिन यहाँ ऐसे मसाइल बनते गए कि मैं जा नहीं सका। उस वक़्त मेरा लड़कपन का ज़माना था,
और अब मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं, तो मैं 27 साल 3 माह के बाद जा रहा हूं। और उसने साथ कहा कि पता नहीं मेरे घर वाले मुझे पहचानते भी हैं या कि नहीं। तो मैंने कहा, मियाँ और कोई पहचाने ना पहचाने, माँ तेरे कदमों की आहट से पहचानेगी कि ये मेरे बेटे के कदमों की आवाज है, ये माँ के प्यार का रूप है। तो बंदा सारी जिंदगी खिदमत भी करता रहे, माँ ने प्यार इतना कर दिया होता है, माँ ने मोहब्बत इतनी दे दी होती है कि उस प्यार का बदल इंसान जो है नहीं दे सकता। इंसान तो देखता है जब होश संभालता है कि मेरी माँ ने मेरे से कितना प्यार किया, लेकिन जब बंदे की होश नहीं होती, माँ उस वक्त जो प्यार करती है, गंदगी से दुथड़ा हुआ बच्चा, और माँ उसको फर्श से उठाती है, पहले चूमती है, फिर गलाजतें धोती है। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ के प्यार का अंदाज है। माँ को बेटे के साथ इतना प्यार है, और बंदा सारी जिंदगी नौकरी भी करे माँ बाप की, तो फिर भी खिदमतों का सिला नहीं दे सकता। एक शायर हुआ एहसान दानिश, उसकी माँ बीमार होगी तो वो खुद उसके कपड़े जाके धोता था, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर नहर थी, वहां जाके लिबास धोता और फिर दूसरा लिबास ले जाता। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये खिदमत मैं सर अंजाम दूंगी, तो एहसान दानिश ने कहा था कि माँ मेरी है और ये हक मेरा है कि मैं इसकी खिदमत करूं, और ये सादत मंदी मेरे हिस्से में आनी चाहिए, मैं किसी और को नहीं दूंगा, ये सादत मंदी होती है औलाद की। तो इंसान जितनी मर्जी खिदमत करके माँ बाप को राजी करने की कोशिश करे, वो तो राजी होते हैं, बल्कि नालायक औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं और ज्यादा होती हैं। तो इंसान उनकी खिदमत का हक नहीं दे सकता। माँ बाप के इतने हक क्यों हैं? इसलिए कि माँ ने बेटे को जन्म दिया। इस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, और आज की इस गुफ्तगू का इसको नुक्ताए उरूज भी समझ लीजिएगा कि माँ इतना प्यार करती है कि जिसका किसी तराजू पे तोल नहीं हो सकता, और उसके प्यार का सिला बदला सारी जिंदगी खिदमत में भी गुजार दें फिर भी नहीं दिया जा सकता। इस कदर माँ के हक क्यों हैं? इसलिए कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया है उसके इतने हक हैं, तो जिस रब ने खलक किया है उसके कितने हक होंगे, जिसने तख्लीक किया है, दस्ते कुदरत से बनाया है, तो फिर उसके कितने हक होंगे। तो मुझे बताइए, उस शख्स से बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है जो अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी नहीं करता? सुबह के वक्त चिड़ियां भी अल्लाह का नाम ले रही होती, हशरातुल अर्ज भी रब का नाम पुकार रहे होते हैं, बिल्लों से सर निकाल कर जानवर भी अल्लाह का नाम पुकार रहे होते हैं, और उस शख्स से बड़ा बदनसीब जमाने में कोई नहीं है कि जो अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, जो अल्लाह के हुजूर जो है वो इबादत का सर नहीं रखता। तो इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। इंसान के दिल में ख्याल आता है कि मुझे तो वालदैन ने मुझे पैदा किया, तो फरमाया अब बताओ तुम्हारे वालदैन को किसने पैदा किया? अगर कहो कि उनके वालदैन है, तो उनको किसने पैदा किया? फिर उनको किसने पैदा किया? बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक चली जाएगी, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किसने पैदा किया? तुम्हें मानना पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकोगे कि वो रब है जो तुम्हें पैदा करने वाला है। माँ के रहम के अंदर कौन नक्शो वंगार देने वाला है? किसने गोश्त के लोथड़े को बोलना सिखाया है? किसने चश्म खानों के अंदर रोशन चिराग रख दिए हैं? और किसने सर के अंदर एक नशीद और रोशन दिमाग रख दिया है? किसने हाथों को पकड़ने की कुव्वत दी और कानों को शनवाई की ताकत दी? और किसने जो है वो सूंघने की कुव्वत और कुव्वत शामा नाक के नथनों के अंदर रख दी? कौन है जो टांगों में जोर पैदा करता है? कौन है जिसने छाती को ताकत दी? कौन है जिसने इंसानियत को आसन तकवीम बनाया? इंसान, क्या तेरा हक है कि मस्जिद के करीब से तू गुजर जाए और अल्लाह का नुमाइंदा पुकार रहा हो, हैया अला सला हैया अला फला, आजा नेकी की तरफ, आजा नमाज की तरफ, और तू जो है वो उसको सुनने के बावजूद गुजर जाए? ऐसा हो सकता है कि तू उसके हुजूर आए ना, हाजिर ही ना हो? ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, और ये सादत मंदी है। अब इबादत किसे कहते हैं? इबादत के कई मफाहीम हैं। एक आम मफहूम इबादत का पूजा और परस्तश करना है, और ये अल्लाह के अलावा किसी का हक नहीं है, अल्लाह ही की पूजा की जाए, और कोई इस बात का इस्तेहकाक नहीं रखता कि उसकी पूजा पाठ की जाए, एक खुदा को पूजेंगे। दूसरा इबादत का मफहूम ये है अतात व फर्माबरदारी। बंदे के लिए जमाल और हुस्न ही बंदगी है, वो अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाए इस तरह
कि जो उसका हुक्म है उसको बजा लाए, वहां से सर न फेरे और उसमें अपनी अकल, अपनी समझ, अपने फहम इदराक के घोड़े न दौड़ाए, बस उसके हुक्म को हर सूरत के अंदर कबूल करे। और तीसरा मफहूम जो है वो बंदगी और गुलामी के माना में, बंदगी और गुलामी के माना में इबादत है कि बंदा उसका जो है वो इस तरह गुलामी का हक निभाए जिस तरह गुलाम को आका की किसी बात पे कोई इतराज़ नहीं होता। तो हजारों आका अल्लाह ताला जल्ला शानहू के जो है वो फरामीन उसके पाबंद हैं और बंदा उसका क्यों पाबंद ना हो, जिनको दुनिया आका मानती है वो भी उनके हुजूर खड़े हुए हैं, तो फिर उसकी बात को किस अंदाज से बंदा टाले। और आज इस दुनिया के अंदर आप कहीं मुलाजमत करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देना होती है, तो उन 8 घंटों के अंदर आपका मालिक आपको बुलाए, सिर्फ 8 घंटों में एक आर्जी मिल्क आपके ऊपर रखता है, तो आप दौड़ के जाते हैं कि नहीं जाते? आपके मेहमान भी आपके पास बैठे हों और आप चाय भी उनको पिला रहे हों, लेकिन बास बुला ले आपको और वो घंटी दे, तो आप बेल पे सब को छोड़ के भागते हैं कि नहीं भागते? मेहमानों से भी माजरत करते हैं, मुझे बास ने बुलाया, आप दौड़ते जा रहे हैं। यार एक दुनिया का बास बुलाए तो मेहमानों को छोड़ के, चाय को छोड़ के, मुरगन गजाओं को छोड़ के, सब को छोड़ के भाग जाते हैं, और रब का नुमाइंदा पुकारे हैया अला सला और हैया अल फला, जो बंदा उसके हुजूर न जाए कितना बड़ा बदनसीब है, कितनी बदनसीबियां उसका मुकद्दर हैं कि जो उसके हुजूर। लेकिन ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमत की अमूमियत है। अगर आज 8 घंटे के लिए आप कहीं ड्यूटी करते हैं, वो आपको आवाज दे और आप ना जाएं, तो वो आपकी नौकरी खत्म कर देगा, आपको सख्त सरनश उसी वक्त करेगा या फिर आपको फारिग कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते रहे, कभी उसने रिज़्क़ के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि जो नहीं मानते उनको और ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उनका हिस्सा सिर्फ दुनिया पे ही है ना, आखिरत में तो हिस्सा ही कोई नहीं है। बल्कि फरमाया अगर मुसलमानों की दिल जोई का लिहाज ना हो तो मैं काफिरों के घरों की सीढ़ियां भी सोने और चांदी की बना दूं। लेकिन ये कहेंगे हमें तो ज्यादा ही रगड़ दिया गया है, चूंकि इन्होंने दुनिया को देखा है, आखिरत अभी देखी नहीं है, वरना जो इनके लिए आखिरत में रखा गया है, दुनिया की कोई शय इनके नजदीक हैसियत ही ना रखे। बल्कि हदीस में आता है, साहबे मिश्कात ने इसको लिखा कि दुनिया के ऊपर जिसको सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंची होंगी वो जन्नत में ले जाया जाएगा, और एक मरतबा जन्नत में जो है वो दाखिल करके निकाल दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि बता दुनिया के ऊपर तुझे बड़ी तकलीफें पहुंची, वो कहेगा या अल्लाह मुझे तो कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं है, जन्नत की सिर्फ आबो हवा सारे दुख खत्म कर देगी। और जिसने तख्त व ताज पे बैठ के भी जिंदगी सारी गुजारी हो, हदीस में आता है उसको जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी, और फिर उसको कहा जाएगा बता तू दुनिया के ऊपर कोई राहत पाई है, वो कहेगा मालिक दुनिया के ऊपर मैंने कोई सुख देखा ही नहीं है। एक गोता जहन्नम के अंदर दिया जाएगा, दुनिया के सारे सुख ही भूल जाएगा कि मैं वहां बादशाह हुआ करता था, मैं वहां हुक्मरान हुआ करता था, मैं दुनिया के ऊपर जो है वो ओबामा था, मैं दुनिया के ऊपर बुश था, मैं दुनिया के ऊपर पूरी दुनिया को मैंने जो है वो रेवड़ की तरह हांका था और इंसानियत का कत्ल किया था, मेरी रौनत और मेरा तकब्बर दुनिया को चका देता था। उसको कोई शय और अपनी कोई आकड़ और कोई बात याद नहीं रहेगी, सिर्फ एक डुबकी की बात है। और जिसने दुख पे दुख काटे, गुर्बत तन्हाई दुख अजियत मसाइब आलाम मुश्किलात, लेकिन एक बार जन्नत से गुजार करके जन्नत की सिर्फ आबो हवा ही सुंघाई जाएगी, तो उसको कहा जाएगा बता दुनिया के ऊपर तुझे कोई दुख पहुंचा, वो कहेगा मेरे रब दुनिया पे मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा। अब बताइए कि अल्लाह के हुजूर हम हाजिर हों या कि दुनिया कोई मंशा और मकसूद बना लें, हमारी जिंदगी की डगर क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि जन्नत के मुकाबले में इस दुनिया की हैसियत ही कोई नहीं, और दूसरी बात अगर दुनिया के ऊपर हम इज्जतें सरखुरुइयां जिसको हम समझते हैं ये सरखुरुइयां हैं वो पा भी लें तो वो कितना कुर्सा है, फिर उसका हिसाब भी तो हमने देना ही देना है। इसलिए हम देख लें जितना बर्दाश्त करते हैं उसके मुताबिक जो है वो हम चलें। एक बादशाह था, वो फूलों की सेज पे सोया करता था, खादिमा उसके लिए फूलों की सेज बिछाया करती थी, मुद्दत गुजर गई, फूलों की सेज पे सोने का आदि था। एक दिन खादिमा ने सोचा, लोंडी ने सोचा, रोजाना बादशाह इस सेज पे सोता है, पता नहीं क्या लुत्फ होगा, कमर सीधी करने के लिए, उस सेज का लुत्फ उठाने के लिए वो भी लेट गई। सेज तैयार करने के बाद एक लम्हे के लिए कमर सीधी की तो सारे दिन की थकी हुई थी आंख लग गई,
बादशाह वक्त पर अपने हुजला में दाखिल हुआ, अपने उस खास कमरे में दाखिल हुआ, तो एक लोंडी को फूलों की सेज पे सोया हुआ देखा तो गैरत से जल बुन के कबाब हो गया। एक लोंडी की ये औकात कि बादशाह की सेज पे सोए। उसने जल्लाद को बुलाया, कहा इसको उल्टा लटकाओ और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए, ताकि बाकी खुद्दाम को पता चल जाए कि बादशाहों की सेजें, उनके बिस्तर, उनके घर कितने मुकद्दस हुआ करते हैं। लोंडी को उल्टा लटका दिया गया और जल्लाद जरब पे जरब लगा रहा है, कोड़े पे कोड़ा मार रहा है। वो चीखती है, रोती है, बचा लो मुझे, मेरी जान निकल रही है। रोते रोते क्या ख्याल आया कि उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने जल्लाद को कहा, रुक जा, इस लोंडी से पूछ रोई क्यों है, इसे ये भी पूछ हंसती क्यों है। जल्लाद ने कहा, लोंडी बता, रोती क्यों है। उसने कहा, तुझे नहीं पता जब कोड़ा लगता है तो जान निकलने को आती, नजा का आलम तारी हो जाता है। कहा, यह तो समझ है, लेकिन हंसती क्यों है। कहा, हंसी मुझे इस बात से आई है कि चंद लम्हों के लिए सोई हूं, इतनी तकलीफ काट रही हूं, सोचा जो उम्र भर हो गई सोते हुए, जिसको उसका क्या बनेगा, जिसकी जिंदगी बीत गई इस सेज पे सोते हुए, उसका क्या बनेगा। साहिबो, ये दुनिया फूलों की सेज ना बनाएं, इस दुनिया को अल्लाह की इबादत के लिए गुजारें, जिक्र फिक्र में गुजारें, सहरी के वक्त उठ के मुसल्ले पे खड़ा होकर रोना सीखें, अल्लाह के हुजूर आएं, सारे काम छोड़ दें, रिजक की तलाश में राजक को भूल ना जाएं। तुम समझते हो दुकान बंद करके चले गए तो शायद मेरी आज की सेल कम होगी। सेल देने वाला, रिज्क देने वाला, रिज्क के दरवाजे खोलने वाला वो रब है। जाओ उसके हुजूर जाओ और जाके उससे मांगो, मालिक रिज्क का मालिक भी तू है, तेरे हाथ में सारे खजाने हैं, मेरी मदद फरमा। देखना कि रहमतों के किस तरह दरवाजे खुलते हैं और जो तुम्हें मिलता है उसमें बरकत कितनी होती है। आज हर बंदा ये कह रहा है कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, लाखों कमाता हूं पता नहीं चलता जाते किधर है। मसला असल है ही यही कि रिज्क में बेबरकती आ गई हुई है, इसलिए कि हमारी पेशानी में सजदे नहीं रहे, हमारी आंखों में हया नहीं रहा, हमारे लबों पे कुरान के नगमे नहीं रहे, हमारी सोचों में पाकीजगी नहीं रही और ख्यालों में तहारत नहीं रही। आज गलाजत ही गलाजत, गंद ही गंद, और जो है वो शहवत ही शहवत, और बेहयाई ही बेहयाई आंखों में, नजरों में, ख्यालों में भर दी गई है। बाजार में चले जाएं, घर चले जाएं, घर का दरवाजा बंद करके, मुकफल करके भी घर आप समझते हैं कि मैं महफूज हो गया हूं, आज तो वहां भी महफूज नहीं रहा जाता। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। अपने घरों को इन सारी शरारतों से पाक करो और अपनी नजरों को पाकीजगी सिखाओ, फिर देखना कि किस तरह बरकतें होती हैं और किस तरह रहमतें होती हैं। इबादत के दो मफहूम हजरत इमाम राजी ने बयान फरमाए हैं। आप फरमाते हैं, अताजीमो ले अमरिल्लाह। इबादत का मफहूम यह है कि अल्लाह के उमूर का, उसके हुक्म की ताजीम की जाए। अल्लाह ताला जल्ला शानू का हुक्म है तो दिल झुक जाए उसके हुजूर और उसको ही बड़ा जाना जाए। और दूसरी बात, वशफ़क़त अला खल्किल्लाह। इबादत का मफहूम यह है कि मखलूक खुदा पर शफकत की जाए। हजरत इमाम गजाली ने अरबाइन के अंदर लिखा कि इबादत की 10 किस्में हैं, उनमें से पहली किस्म नमाज है जो इबादत में सबसे अहम और सबसे बड़ी इबादत है। दूसरी किस्म ज़कात है, तीसरी किस्म रोज़ा है, चौथी किस्म हज है, पाँचवीं किस्म तलावत कलाम मजीद है, और छठी किस्म हर वक्त जिक्र इलाही में रहना है, सातवीं किस्म हलाल रिज्क के लिए कोशा रहना है, और आठवीं किस्म पड़ोसी, हमसाए, साथी और दोस्तों के हुकूक अदा करना है, और नौवीं किस्म अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना है, और दसवीं किस्म इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। ये इबादत की सूरत है। अब मुआशरे के अंदर कुछ लोग तो इबादत करते नहीं हैं और उनका इबादत ना करना गफलत की वजह से है। एक तबका है कि वो इबादत का कायल ही नहीं, वो दहरिये हैं, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले हैं। और एक तबका तीसरा वो है जो इबादत करता है लेकिन अल्लाह के अलावा कुछ और लोगों की, जिस तरह के बुत परस्त हैं या दीगर लोग। लेकिन अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, उस इबादत में तसाहल और सुस्ती नहीं करते। नमाजों को 5 गाना वक्त पे अदा करना अपना मामूल रखते हैं और यही ज़िंदगी का हुस्न है और यही ज़िंदगी का जमाल है। और जो शख्स अल्लाह की हुजूर झुकना छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके रिज़्क से भी, उसकी उम्र से भी बरकत उठा लेता है। इबादत का एक मफहूम उलमा ने अल्लाह ताला की पहचान भी बयान फरमाया। हज़रत मौला कायनात
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ہاذہ اعما فہو فی الآخرت اعما و ادل سبیلا، جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت۔ تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہیں، ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شارق سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا، اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ میں عبادت کے عنوان سے گفتگو کو ادھورا سمجھوں گا جب تک میں حضور کی ابدیت کو بیان نہیں کروں گا۔ حضور کی عبادت کا عالم یہ ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا اور دیگر عبادت کی جتنی بھی اقسام اور صورتیں ہیں، آقا کریم اللہ کے حضور ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں، ہمیں تو جگایا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے، لیکن وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کرو، کچھ سو بھی تو لیا کرو۔ اللہ اکبر، اور اتنی اتنی اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا حضور آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں، اس نے اتنا کرم کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہیں اس کے، کتنے فضل ہیں اس کے، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی، تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے، بولنے بھی طاقت دیتی ہے، اگر یہ لعاب کم پڑ جائے، جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا بہت بڑا شخص اوناسس، یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا، تو آج کل تو سنا کہ پاکستان میں ایک شخصیت آگے جا رہی ہے، وہ پہلے نمبر پہ آنے والی ہے، تو بس تھوڑے نمبر رہ گئے ہیں، ورنہ جو ہے وہ پوری دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہمیں کسی اور ملک میں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ ہمارے خون پسینے کو نچوڑ کر کے ہمارے اندر سے کوئی ہوگا۔ قوم فروختن و چیئرزاں فروختن، دعا کرو اشرائے ثانی کے دامن سے نکلتے ہوئے نور کی روشنی میں اب سورج کی کرنیں بھی نکل رہی ہیں اور رب کی رحمت کو بھی جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے، دعا کرو اللہ میرے ملک کو صالح قیادت نصیب فرمائے۔ تو اوناسس جو ہے وہ جہازوں کا کام کرتا تھا،
उसकी बहुत बड़ी जो है वो कंपनी थी, हुआ उसे क्या, उसके ये आंखों के जो पपोटे हैं ये काम करना छोड़ गए। ये कुदरत ने सिस्टम लगाया, ऑटोमेटिक सिस्टम, उधर से तिनका उड़ा, उधर आंख बंद हो गई, उधर अजम हुआ, इरादा हुआ, आंख बंद हो गई। इतनी जल्दी ये सिस्टम काम करता है। उसको ये मर्ज लाहिक हुआ कि जो पट्ठे हैं ना इसके, ये काम करना छोड़ गए। अब डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के आंख खोलता था और रात को सोना होता तो वो टेप उतार देता। किसी ने उनासिर से पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू, इंटरव्यू करते हुए उसने, काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा उसके लिए कीमत लगानी पड़े तो कोई पैसे लगा सकता है? उसने कहा सारी दौलत झोंक दूंगा, लेकिन काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, हमने कभी सोचा गुमान भी नहीं किया कि क्या क्या सिस्टम उसने लगाए हुए। ये तो एक सादा सा सिस्टम है, वरना क्या निजाम इन्हिजाम का सिस्टम है, तनफ्फुस का निजाम है, और उसके अलावा जो है वो दिमाग अल्लाह ने अता फरमाया। कितना गाफिल शख्स है कि उसकी इतनी नेमतें वसूल करने के बाद भी उसके हुजूर हाजिर नहीं होता। लेकिन मेरे और आपके आका मौला अल्लाह के वो बाकमाल बंदे हैं कि बंदगी की इंतहा हुजूर की ज़ात है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अब्द ही नहीं कहा, अब्दहू कहा है। मेराज की कुर्बत खास में इसके बावजूद अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूर जब पेश होते हैं तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने महबूब से कहता है, बेमा शर्रफो का या अहमद, प्यारे बता तुझे किस चीज से नवाजू। तो महबूब जवाब में अर्ज करते हैं, बेनिस्बती इलई का शर्रफ ने बिल उबूदिया, मालिक मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। बंदे के लिए सबसे बड़ा एजाज है कि वो बंदा हो, उसका गुलाम हो और उसके हुजूर सर पर सजूद रहे। आज की इस हसीन सुबह में और इस रोशन रुत के अंदर बंदगी के उनवान से ये चंद बातें मैं आपके गोश गुजार की। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का नूर नसीब फरमाए।